साहित्य जगत का जाना पहचाना नाम रौनक जमाल, जिन्हें छत्तीसगढ़ रत्न से जाना जाता है, उन्होंने राष्ट्रीय नाटक लेखन स्पर्धा जो कि महाराष्ट्र के सोलापुर में आयोजित की गई थी, उसमें उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए एक और मेडल प्राप्त कर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। इस स्पर्धा में संपूर्ण भारतवर्ष से 48 नाटक लेखकों ने हिस्सा लिया था। अक्टूबर 2023 में आयोजित राष्ट्रीय नाटक लेखन स्पर्धा जो कि महाराष्ट्र के शोलापुर में रखी गई थी, जिसमें छत्तीसगढ़ रत्न डॉक्टर रौनक जमाल ने फिर से छत्तीसगढ़ का परचम लहराकर छत्तीसगढ़ की गोद में एक और मेडल लाने का प्रयास किया है। बता दें, अक्टूबर 2023 में बज्म में गालिब संस्था द्वारा आयोजित राष्ट्रीय नाटक लेखन स्पर्धा, जिसमें समूचे भारत के 48 नाटक लेखकों ने भागीदारी की थी, उसमें हमारे राज्य छत्तीसगढ़ के उर्दू भाषी साहित्यकार कहलाने वाले डॉक्टर रौनक जमाल ने नाटक कोरोना अदालत को प्रथम पुरस्कार से नवाजा और छत्तीसगढ़ के साहित्यकारों के चेहरे पर एक बार फिर से मीठी मुस्कान ला दी है। उर्दू भाषी से जाने पहचाने जाने वाले डॉक्टर जमाल जी को अनेकों प्रदेश से साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। हाल ही में डॉक्टर रौनक जमाल को हेती यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने डॉक्टर की डिग्री भी प्रदान की है। डॉक्टर रौनक जमाल दुर्ग ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के साहित्यकारों के प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं और उन्हें लगातार ऊर्जा प्रदान करने का कार्य भी कर रहे हैं, और साथ ही वो इस क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। विद्या की देवी सरस्वती की असीम कृपा डॉक्टर रौनक जमाल पर है। उन्होंने 3 अफसाना संग्रह, 8 लघु कथाओं, साथ ही 6 बाल कथाओं और 2 नाटक और 1 बाल उपन्यास एवं गाजर घास पर आलेख, गाजर घास ग्रीन कैंसर, सैकड़ों कहानियां, अफसाने और साथ ही बाल कहानियों का आलेख किया है। साथ ही नाटक एवं साहित्यकारों और कवियों की पुस्तकें भी वे लिख चुके हैं। इस काम के लिए छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, बंगाल एवं मध्य प्रदेश से लाखों रुपए के पुरस्कार एवं अवार्डों से भी उन्हें नवाजा जा चुका है। बताना चाहेंगे, अजीज पब्लिक स्कूल के वाइस चेयरमैन और ट्रस्टी छत्तीसगढ़ मुस्लिम संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष लायंस क्लब ऑफ दुर्ग सिटी और साथ ही डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन लायंस क्लब और इंटरनेशनल 3-2-C लायंस क्लब द्वारा संचालित मंद बुद्धि बालकों के लिए भी अनेकों सेवाएं प्रदान की है और अपने मानवीय कार्य का परिचय दिया है। दुर्ग शहर ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ का परचम इन्होंने देश और दुनिया में फहराने का काम किया है। ACN News के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।